हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी अड्डा। दिस इज मयंक दुबे, योर रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड मेंटर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कैलकुलेशन। ठीक है, हम कैलकुलेशन के बारे में बात करेंगे। सो व्हाट इज मैंडेटरी फॉर कैलकुलेशन, व्हाई कैलकुलेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस। तो देखो, कैलकुलेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई। आप बोलोगे पेन पेपर में लिखकर मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सब मैथमेटिकल कैलकुलेशन होते हैं, ये सब ऑपरेशन लगा के कैलकुलेशन करना रहेगा, मैंडेटरी ये चीज़ ही होती है। बट बेटा, मैं आपको बोलूँगा पेन पेपर की कोई ज़रूरत नहीं, बिना पेन पेपर के भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। व्हाट यू हैव टू फोकस आउट, आपको क्या ध्यान देना है, आपको सिर्फ उन्हीं बातों का ध्यान देना है जो मैं आपको बोलूँगा, बस प्रैक्टिस कर लेना। प्रैक्टिस करना मत भूलना, क्योंकि क्या ट्रेंड करना है आपके आपके माइंड को। अभी आपका माइंड अभी ट्रेंड नहीं है, यू हैव टू ट्रेन योर ब्रेन। उसे आदत नहीं है, वो पेन से और पेपर से ही सोच पाता है कि कैसे कैलकुलेशन करना है। जो ट्रेडिशनली कन्वेंशनली आप सोचते आए हो, ऑर्थोडॉक्स मेथड जो हम पुरानी करते आ रहे हैं, उसी को करना है। नहीं, अब हम करेंगे वर्बल कैलकुलेशन। उसके लिए मैं आपके लिए नया रूल लेके आया हूं, विच इज ब्रेक एंड सॉल्व रूल। क्या है जो ब्रेक एंड सॉल्व, राइट, ब्रेक and solve, you will do the addition like that, you can also, what you can do subtraction also you can do by the same method, aap kar sakte ho usko bhi, but now we are going to do what addition in this video। तो भैया, अब आप बोलोगे सर कैसे एडिशन करना। देखो, जैसे मैं आपसे बोल दूं आपका कैलकुलेशन कैसे हो जाएगा पता है आपको। चलो मैं बोलता हूँ, कोई भी रैंडम नंबर ले लूं। देखो, मैंने ले लिया फॉर एग्जांपल 68 लिया, 68 में क्या प्लस करें बताओ, 74 ऐड कर लें, 79 कर लें, 87 कर लें, 83 कर लें, व्हाटएवर नंबर यू वांट टू से। चलो 86 कर लेते हैं, ठीक है, रैंडम ले लिया। 68 प्लस 86 154 आएगा। मैंने कितनी जल्दी आंसर दिया, 154 प्लस 148 कितना आएगा, 302 आएगा। 302 प्लस 98 400 हो जाएगा, 400 प्लस 67 467 467 प्लस 87 554 कितना आएगा बच्चे, 554 आएगा। तो आप यहां देखिए मैंने कितनी स्पीड में फटाफट कैलकुलेशन करके बताया। इस तरीके से कैलकुलेशन आप भी कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू फॉलो द रूल व्हिच आई एम गोइंग टू टेल यू। और आपको उसके बाद क्या करनी है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, और उसके बाद अपना फीडबैक भी देना है, सर अब कैलकुलेशन बूस्ट हो गया। बस डेली आधा घंटा, सिर्फ हाफ आवर, आप अगर इस तरीके से कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करोगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, आपके एकेडमिक्स में भी है, ठीक है, उसके बाद अगर आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हो उसमें है, एनटीएससी का एग्जाम देते हैं, एनडीए का एग्जाम देते हैं, सब में मैथमेटिक्स आती है, सीरीज के क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन है, आपको टाइम कंज्यूम होता है एडिशन सब्ट्रैक्शन करने में या मल्टीप्लाई करने में, सभी का ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, तरीके बताऊंगा। बस आपको क्या करना है, जो यहां पर बोला जा रहा है कि ये फॉलो कर लो, समझ लो और घर पे प्रैक्टिस कर लो, दिल लगा के प्रैक्टिस करनी है। चलिए ठीक है, देखते हैं क्या मैं बताने वाला हूं आपको। सपोज अभी हम लेते हैं टू डिजिट के नंबर्स, कितने डिजिट के नंबर ले रहे हैं बच्चे, दो डिजिट के नंबर ले रहे हैं। मैंने आपसे कहा 46 प्लस 63, ठीक है, ये दो नंबर मैंने लिया हुआ है। आप बोल लोगे हम ऐड कर देंगे, बहुत आसानी से ऐड कर देंगे बच्चे, बट अगर मैं बोलूं बिना पेंचलाई से ऐड करके बताओ तो यू विल टेक लिटिल बिट टाइम, बट इफ आई विल से कि विद इन 5 सेकेंड और 4 सेकेंड यू कैन आंसर ऑफ एनी कैलकुलेशन, है ना, थोड़ा बड़ा है तो 10 सेकंड से कम में कर लोगे, बट इससे ज्यादा समय नहीं लोगे। बट आपको क्या करनी है, उसके लिए प्रैक्टिस करनी है। तो अगर मैं बोलूं कि आप सबसे पहले क्या करोगे, आपको सबसे पहले क्या करना है, 1 से लेके 1 to 9 जो नंबर्स हैं उनको आपस में क्या उनका आपको करना है प्रैक्टिस एडिशन की। भाई 1 से लेके 9 तक जितने भी नंबर हैं उनका आपस में कैलकुलेशन आपको अच्छे से बनना चाहिए। मतलब मैं बोलूं 9 और 7 तो आप बोलो 16, 9 और 6 15, 8 और 7 13, इस तरीके से, क्योंकि जो मैं कैलकुलेशन बताऊंगा उसका बेस ही यही है, उसका बेस यही है जो मैं आपको बताने वाला हूं। समझ में आ रही बात। चल अब 46, देखो 46 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 40 प्लस 6, 63 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 60 प्लस 3, राइट, 60 प्लस 3, ये तरीका है। मैंने यहां पर क्या किया, मैंने यहां पर प्लेस वैल्यू का नाम, आपको दो तरीके बताऊंगा, दो मतलब कुछ दो टर्म्स बताऊंगा उन पे ध्यान देना है। वो दो टर्म्स हैं क्या, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू क्या होती है बच्चे, देखो फेस वैल्यू तो क्या होती है, 4 की 4 है, 6 की 6 है, 6 की 6 है, 3 की 3 है, ये तो इसकी क्या होगी, फेस वैल्यू, मतलब जो दिख रहा है वही उसकी फेस वैल्यू है, ठीक है, आपको देखना क्या है, फेस वैल्यू, मतलब जो सामने है फेस वैल्यू वो। फिर उसके बाद आपको क्या इंप्लीमेंट ध्यान देना है, किस बात का ध्यान देना है, प्लेस वैल्यू। व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज
प्लेस वैल्यू। अब प्लेस वैल्यू क्या होती है बच्चे, प्लेस वैल्यू क्या होती है? प्लेस वैल्यू ऐसी होती है कि अगर मैंने बोला 46 तो यहाँ पर आपको दो नंबर दिखने चाहिए, दो प्लेसेस हैं, एक है टेंथ डिजिट का और एक है यूनिट डिजिट का। तो 46 यहाँ पर, 46 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 40+6, मतलब यहाँ पर क्या हुआ, ये एक नंबर हो गया। ये 4 का अगर मैं देखूं प्लेस वैल्यू 40 है और 6 की कितनी है, 6 ही है क्योंकि यूनिट डिजिट में था। तो यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया, उसका प्लेस वैल्यू मतलब उसकी पोजीशन को याद रखा, है ना, कि यहाँ पर 10th डिजिट, 100 डिजिट, जितने भी आपके नंबर हैं उन्हें आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे 46 का मतलब है 40, एक नंबर 40 हुआ और लास्ट में 6, तो 40+6 बन के वो बना है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, दोनों को सेपरेट कर लिया, इसलिए तो मैंने इसका नाम रखा है ब्रेक एंड सॉल्व, उसके बाद सॉल्व कर लो इसे। तो देखो 40 और 60 ऐड करो कितना होगा 46, तो आप बोलोगे सर 100 होगा, कितना होगा 100 होगा। 6 एंड 3 करोगे कितना होगा 9 होगा, आपका आंसर कितना आ गया बच्चे 109 आ गया। यहाँ पर अब आप क्वेश्चन को देखो बिना लिखे, सिर्फ इमेजिन करो 46 63, तो आप क्या करो प्लेस वैल्यू टू प्लेस वैल्यू उसको कैलकुलेट कर लो। आप क्या करेंगे, पहले आप तो ऐसे याद रखो 4 और 6 कितना हुआ 10 हुआ, बट ये नंबर कौन सा था, 10th डिजिट वाला था ना, ये 4 और 6 नहीं 40 और 60 थे। बट आप पहले इमेजिन क्या करोगे, फेस वैल्यू, फिर बाद में उसका क्या याद रखोगे, प्लेस, कौन से प्लेस पे था वो। तो 4 और 6 10, बट यहाँ पर 40 और 60 थे एक्चुअली, तो एक जीरो और बढ़ेगा तो 100 बन गया। 6 और 3 9, तो यहाँ तो यूनिट डिजिट का था ये, तो 9 का 9 रहेगा, 109 आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कुछ और कैलकुलेशन कर लेते हैं फटाफट, समझ में आ जाएगा तरीका किस तरीके से इसे सॉल्व करना है। चलिए बच्चे अभी दो डिजिट के नंबर लेते हैं कुछ, फिर आपको मैं 3 डिजिट 4 डिजिट जो आपका मन हो सब हम कैलकुलेट करके देख लेंगे। अब 40 नहीं लेते, नहीं तो आप बोलोगे सारे नंबर 40 ले रहे हैं हम। अगर मैंने यहाँ पर बोला 83 प्लस आपका 59, तो यहाँ पर 142 आना चाहिए। देखो मैंने कितनी जल्दी आंसर किया, आप भी ऐसे कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको क्या इमेजिन करना है, 80 प्लस 3 83 का मतलब क्या, जब आप रीड कर रहे हो उसे, जब बोल रहे हो तो आप उस टाइम पे देखो 83, दो नंबर अलग अलग दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे। फिर मैंने बोला 59, तो आपने क्या बोला 50 अलग हो गया 9। तो आप ये बताओ, आप तो यहाँ यही ध्यान दो, अब फेस वैल्यूज पे 8 और 5 कितना होगा जल्दी बताओ 13, लेकिन ये कौन से डिजिट पे है, 10th पे है ना, 10th प्लेस पे, और ये यूनिट डिजिट थी 10th प्लेस पे, 10th प्लेस पे तो एक जीरो बढ़ जाएगा, 8 और 5 कितना हुआ 13, और एक जीरो बढ़ा दो तो 130, तो आपका कितना हो गया कैलकुलेशन 130 हो गया, प्लस 9 और 3 कितना हुआ 12। अब इन दोनों को भी ऐड करना है, तो उसका तरीका भी मैं आपको बता रहा हूं। 12 में एक 10 है कि नहीं है, यूनिट डिजिट तो 2 है, 2 को अगर अवॉइड कर दूं मैं तो 10 बचेगा, 130 और 10 कितना होगा 140, और 2 लिख दो साथ में तो बन गया 142। इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करना है बच्चे। यहां मैं सेपरेट करके भी लिख दे रहा हूं, दोनों को ऐड करोगे तो 130 यू विल गेट, यहां से आपको 12 मिलेगा, दोनों को ऐड कर दो व्हाट यू विल गेट 142 मिल जाएगा। समझ में आया, इसे बस इंप्लीमेंट करना, सच कह रहा हूं कैलकुलेशन बहुत इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। चलो आप देख लेते हैं थोड़े से 3 डिजिट के कैलकुलेशन, भाई 3 डिजिट में अगर हमें कैलकुलेशन करना हो व्हाट वी विल डू, व्हाट वी विल फॉलो, है ना, ये सारी चीजें देख लेते हैं। चलिए अब अगर मुझसे बोला गया 467 प्लस 778, इनको मुझे ऐड करना। अब आप बोलोगे सर अब आंसर तो देखिए बताओ, आपने अब बड़ा नंबर लिखा है। तो देखो बच्चा 778 प्लस 467 है, तो इसका आंसर आएगा 1245। क्या आएगा आंसर, 1245। मैंने पहले ही आपको आंसर बता दिया कि व्हाट विल बी द आंसर, नाउ आप देखोगे अब तो आपका आंसर एज इट इज यही आने वाला। देखो पहले आप याद रखो यहां पर फेस वैल्यू को पहले कैलकुलेट करना, फेस वैल्यू मतलब आपके लिए 4747, ये 6767, ये 7878, इन सबको क्या करो वर्टिकली ऐड कर दे फटाफट। तो आप देखो 4 और 7 मिलके क्या बनेगा 11, इतना याद रखना। 6 और 7 मिलके क्या बनेगा 13, 7 और 8 ऐड करोगे तो कितना बनेगा 15। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि 1 से लेकर 9 तक के जितने भी नंबर्स हैं उन्हें आसानी से आप पहले क्या कर लो, ऐड करने की प्रैक्टिस कर लो भाई, अगर वो आपको आता तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। समझ में आ गई बात, समझ में आया कि नहीं आया, कैलकुलेशन वैलकुलेशन सब कुछ हम कर लेंगे, हमें क्या करना है पहले बेसिक्स को फॉलो करना है, सारी चीज़ों को समझना है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते चलो भाई वीडियो, 11 13 15, समझ में आ गई बात। अब 11 जो आपका है वो किस प्लेस पे आ रहा था, 1 2 3 100th प्लेस पे, तो यहां पर दो जीरो बढ़ा दो, प्लस
ये किस पे आ रहा था? 13th पे, मतलब एक जीरो बढ़ गया आपका। और ये 7 और 8 क्या थे? यूनिट डिजिट में थे, इसमें कोई जीरो नहीं बढ़ेगा। तो जीरो भी हम प्लेस के हिसाब से बढ़ाते हैं ना। ये कैसा था? अब आप देखो, इसे इमेजिन करो, 467, मतलब यहां पर कितने नंबर पड़े मैंने, 400 एक नंबर हो गया, 60 और फिर 7, राइट? तो हमने क्या किया, ब्रेक किया कि नहीं किया नंबर? उसके बाद अगर मैं बात करूं, 700 प्लस 70 प्लस 8, ब्रेक कर लिया। अब 400 700 कितना हुआ, 1100। 60 और 70 कितना हुआ, 130। 7 और 8 कितना हुआ, 15। अब तीन तीनों को ऐड तो करना है, बहुत आसान है। 1100 और 100 कितना होगा, 130 में से भी पहले 100 लो, 1200। 1200 और 30 कितना होगा, 1230। अब 15 में से 5 को अवॉइड करो, 10 ही बचेगा, राइट? तो 1230 और 10 कितना हुआ, 1240 और प्लस 5 तो 1245। यहां मैंने जो आपको कैलकुलेट करके बताया है, मैंने लिखते से ही वही आंसर बताया था कि नहीं, आप ही लोग मुझे बताएं, बिल्कुल वही आंसर बच्चे मैंने बताया था। समझ में आया कि नहीं आया, ये आप मुझे बताइए, है ना? हर एक चीज को फोकस करते हुए हम चल रहे हैं। अब मैंने फटाफट इसी, देखो मैंने इसी तरीके से तुरंत आंसर दिया था कि नहीं दिया था, आप भी दे सकते हो, बस आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको क्या रहेगा, कैलकुलेशन में हेल्प मिलेगी। तो आई होप अभी जो मैंने कुछ आपको बताया है नंबर्स का कैलकुलेशन, इसे आप कंटिन्यू फॉलो कर लोगे। आपको करना क्या है, यहाँ पर मैंने बोला प्लेस टू प्लेस कैलकुलेशन करना है। आपको क्या ध्यान रखना है, मेजर चीजें मैं फिर से बता दे रहा हूं, एक प्लेस वैल्यू, दूसरा फेस वैल्यू। भाई प्लेस वैल्यू क्या करके बताती है आपको, ब्रेक कर लेते हो ना आप, है ना? प्लेस वैल्यू से आपको हेल्प मिलती कैलकुलेशन में। उसके बाद आपको वर्बल कैलकुलेशन याद रखना, हमेशा वर्बल ही करने का ट्राई करना है। जितना कम पेन का यूज करोगे, जितना ज्यादा आप इमेजिन करना चाहोगे, जितना कैलकुलेशन को इमेजिन करके करोगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि विदाउट पेन एंड पेपर की आदत डलेगी तभी तो आप ऐसे इमेजिन कर पाओगे। अदरवाइज क्या होगा, आप लिख कर करोगे, थोड़ा टाइम लगेगा, कम टाइम लगेगा, जैसे नॉर्मल होता है उससे कम टाइम आपको लगेगा, फटाफट कैलकुलेट कर लोगे। बट मैं ये चाहता हूँ धीरे धीरे आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करो इसकी, आपको खुद पता चलेगा कि अब आप कैसे कैलकुलेशन करने लगे। मतलब कोई नंबर बोलेगा आप तुरंत ऐड करके बता दोगे। यहाँ पर समझ में आया कि नहीं, किस तरीके से इसे करना है, आप लोगों को क्लियर हो चुका है हर एक फंडा। अब जो हम आगे पढ़ेंगे ना, उसमें हम और ज़्यादा कैलकुलेशन को क्या करेंगे, और ज़्यादा एक्सटेंड करेंगे। मतलब यहाँ पर हम टफ कैलकुलेशन करने लगेंगे और ज़रा डेसिमल वैल्यूज पे चले आएंगे। अभी हमने क्या कहा, इजी थोड़ा सा करा है आपके लिए। यहाँ पर आपने क्या सीखा बच्चे, कि हम कैसे नॉर्मली ब्रेक करके सॉल्व कर सकते हैं। घर पे आप लगातार प्रैक्टिस करोगे, कोई भी रैंडम नंबर ले लेना, इसके लिए कोई आपको क्वेश्चन नहीं चाहिए, कहीं से कोई बुक नहीं चाहिए, कोई भी नंबर लो अपने मन से, उसे ऐड करने की कोशिश करो, आपका आंसर जरूर आएगा अगर आपने सही से फॉलो किया पैटर्न को। तो समझ में आ गई बात। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट सेशन में। आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिए और अपना सपोर्ट ऐसे ही बना के रखिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए, है ना? और सब्सक्राइब नहीं किया है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। वी विल सी यू नेक्स्ट लेक्चर। सॉरी, इतना कट कर देना, लास्ट की जो लाइन बोली है उसे थोड़ा सा कट कर देना, ओके? चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।